सुरेंद्र की नौकरी लग ही गई बैरकपुर के नेशनल कॉलेज में। वो हिंदी के व्याख्याता बन गए थे। उन दिनों देश की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पत्रिका थी दिनमान। सुरेंद्र को इसका नया अंक आने का बेसब्री से इंतजार रहता। आते ही एक बैठक में पूरा अंक पढ़ जाते। इन्हीं दिनों दिनमान में एक विज्ञापन छपा। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में कुछ पत्रकारों की जरूरत थी। सुरेंद्र ने आवेदन कर दिया, लिखित परीक्षा भी पास कर ली और जब इंटरव्यू के लिए कंपनी के खर्चे पर रेलवे यात्रा करने का मौका मिला तो सुरेंद्र मुंबई घूमने के लिए इंटरव्यू के बहाने जा पहुंचे। इंटरव्यू लेने वाले थे समूह के सबसे रौबीले संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती। उनका खौफ कुछ ऐसा था कि दफ्तर में आ जाएं तो कर्फ्यू लग जाता। सुरेंद्र पहुंचे तो उन्होंने ही पहला सवाल दागा, आप नौकरी में हैं तो यहां क्यों आना चाहते हैं? सुरेंद्र का उत्तर भी उसी अंदाज में, बोले ये नौकरी उससे बेहतर लगी। डॉक्टर भारती का अगला सवाल भी तोप के गोले जैसा, इसका मतलब यह है कि अगली नौकरी इससे बेहतर मिलेगी तो यह भी छोड़ दोगे? सुरेंद्र का उत्तर भी तमतमाया सा, बोले बेशक छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहां नौकरी नहीं गुलामी करनी होगी। और धर्मवीर भारती ने उन्हें 10 मिनट इंतजार कराया, नियुक्ति पत्र थमा दिया। तो ये अंदाज था सुरेंद्र प्रताप सिंह का। प्रशिक्षु पत्रकार के तौर पर धर्मयुग में नौकरी तो शुरू कर दी, लेकिन कुछ दिन बाद ही मन उचट गया। घर की याद सताने लगी। घर वाले नाराज थे। सुरेंद्र ने आगे चलकर कहीं पर कहा, मैं तो लौटना चाहता था लेकिन भारती जी ने रोक लिया। घर के सब लोग खफा थे। बाबूजी ने कहा वापस आ जाओ, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जब चले गए मुंबई, बाबूजी मना करते थे कि सब मत जाओ, क्या करोगे यहाँ, कितना अच्छा तुम्हारा नौकरी। जब भैया वहाँ चले गए, उसके बाद जाके वहाँ बहुत उदास रहने लगे थे और बार बार वहाँ से बोलते थे चिट्ठी लिख के। उस समय तो उतना चिट्ठी का ही था, चिट्ठी लिख के बोलते थे बाबूजी हम चले आए, हमको एकदम मन नहीं लग रहा है सबके बिना। और जाते वक्त भैया बहुत रोए थे, हमको याद है जब भैया मुंबई जा रहे थे तो बहुत रोए थे। बहरहाल किसी तरह मन लग ही गया और ऐसा लगा कि रेलवे की स्टेशन मास्टर की नौकरी भी छोड़ दी। इलाहाबाद से एक चिट्ठी आई और चिट्ठी में लिखा था कि आप इलाहाबाद चले आए और आकर के यहाँ स्टेशन मास्टर की नौकरी जो है ज्वाइन कर लें। मैंने सुरेंद्र को एक चिट्ठी लिखी कि भाई तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ है, अब तुम स्टेशन मास्टर बनना चाहोगे कि संवाददाता बनना चाहोगे, अब ये तुम पर निर्भर करता है। कहा कि आप इलाहाबाद जाएंगे, यहाँ ठीक है, बड़ा मजा है, बहुत गपसा ये होते हैं, इसलिए अब यही करते रहे। एसपी ने काम शुरू किया तो धर्मयुग में क्रांतिकारी बदलाव शुरू हो गए। कड़क और फौजी अंदाज गायब, जिंदा और धड़कता माहौल। डॉक्टर भारती थोड़े परेशान हुए और उन्होंने सुरेंद्र का तबादला उन दिनों की जानी मानी फिल्म पत्रिका माधुरी में कर दिया। माधुरी में सुरेंद्र क्या गए, धर्मयुग में धमाल बंद, सन्नाटा पसर गया। इन्हीं दिनों सुरेंद्र का एक लेख छपा, खाते हैं हिंदी का, गाते हैं अंग्रेजी का। इस लेख ने वो धमाका किया कि चारों ओर सुरेंद्र के नाम की धूम मच गई। डॉक्टर भारती ने सुरेंद्र को वापस धर्मयुग में बुला लिया। बस इसके बाद सुरेंद्र सबके चहेते बन गए। मित्र मंडली ने प्यार से नाम रख दिया एसपी और इसके बाद से सारी उम्र वो सिर्फ एसपी थे।